नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 79 में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप द्वारा महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दर्जनों महिलाओं को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर तमाम महिलाओं ने कला और संगीत के जरिए महिला दिवस सेलिब्रेट किया। बीजेपी नेता जगन्नाथ जगताप ने महिलाओं के उत्थान के लिए प्रभाग में हर संभव विकास और मदद का भरोसा दिलाया। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। शूर अम्मी सरदार अम्हाला काय कुणाची भीती, आईचा गर्भात उमगली झुंजारात, आईचा गर्भात उमगली झुंजारात, तलवारीशी लग्न लागल जडली प्रीत। नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 79 में बीजेपी नेता जगन्नाथ जगताप द्वारा महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दर्जनों महिलाओं ने अपनी कला और संगीत के जरिए महिला दिवस सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर कोरोना को हराने वाली और उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को बीजेपी नेता जगन्नाथ जगताप ने कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया। यहाँ स्त्री शक्ति का गुणगान करते हुए स्थानीय बीजेपी नेता जगन्नाथ जगताप ने महिला दिवस की शुभकामना देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आज जागतिक महिला दिन, उसके लिए हम सब महिलाओं को हम शुभेच्छा देता है। कोरोना जो हो गया जो महिलाओं को, उसको हम सब महिलाओं को सत्कार किया है। आज छोटा का नहीं काम कार्यक्रम किया, 30-35 महिला ही बुलाया खाली, और हम जो बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने परवानगी नहीं दिया, कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमने छोटा का नहीं कार्यक्रम महिलाओं का किया। और महिला दिन के लिए सब महिलाओं को हम शुभेच्छा देता है, और जो महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए हम आगे प्रयास करेगा, जो महिलाओं को बोलने का है उसके लिए हम व्यासपीठ तैयार करेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पूरी सावधानी के साथ आयोजित इस सादे महिला दिवस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय महिलाओं ने भी प्रभाग 79 के भावी बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ जगताप के कार्यों की सराहना की और उन्हें ही नगर सेवक के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने आबा जगताप से मिले सम्मान के लिए भी सराहना की। या कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या महिला कोरोना योद्धा आहेत, ज्या हॉस्पिटलमधनं परत आल्या आणि अगदी त्या जिंकल्या, अशा महिलांचा खास त्यांनी सत्कार ठेवला, त्याबद्दल खरोखर आबांचे धन्यवाद।
आबा आबा या शब्दाचा अर्थ आज आम्हाला एका महिलेने असं सांगितलं. आबा म्हणजे आई आणि बाबा ज्याचा संगम म्हणजेच आबा. तर खरोखर आबांनी इतकं सुंदर हे कार्य केलेलं आहे, कार्य चालू आहे, म्हणजे प्रत्येक 8 मार्चला आम्हाला त्यांची मदत होतेच, पण इवन क्रिकेटच्या मॅचेस, व्हॉलीबॉलच्या मॅचेस आज त्यांनीच या सांडपाण्यामध्ये भरवल्या. खरोखर या महिलांना जेवढं त्यांचं प्रोत्साहन मिळतं आहे ना, ते त्याला तोड नाही. आबा तुम्ही आम्हाला नगरसेवक जर मिळालात तर खरोखर या सांडपाण्याचं खूप भलं होईल. छोटे तौर पे लेकिन हमने कार्यक्रम किया, सारे रूल रेग्युलेशन फॉलो करते हुए, मास्क, सैनिटाइजर, स्पॉन्ज का भी और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कार्यक्रम किया. और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने तो कोरोना काल में बहुत सारे काम किए, घर पहुँच सेवा, जिसकी जो मदद होती थी वो बिल्कुल प्रेम भाव से करते थे, उनका धन्यवाद. और हम महिलाओं को आज का दिन इतने प्रेम से देने के लिए भी धन्यवाद. विमेंस डे जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, मैं बड़ी हैरान हो गई थी. सबसे पहले उनका नाम ही बहुत बड़ा मीनिंग है. आबा बोलो तो लैंड ऑफ रिवर्स, आब, पंज आब जैसे वो आब. तो जगता बोलो तो संसार, जग के अंदर ये एक आब है, सानपाड़ा के ये आब है. तो ये वुमेंस डे ही डिड वेरी वेल एंड थैंक गॉड एंड वी आर ऑल बिहाइंड हिम कि ये जो इलेक्शन में ये जीत जाए और सानपाड़ा के पूरा 79 वार्ड के अंदर खूब अच्छा काम करे. आबानी जे कार्य केले हे सगळ्यांनाच माहित आहे. जे समाजसेवा करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे आणि आमचं पण कर्तव्य आहे. आणि त्यांनी आज वुमेन दिन महिला दिनाचा जो कार्यक्रम केला त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते. आणि महिलांना एकच प्लॅटफॉर्म त्यांनी करून दिला त्याबद्दल मी पण त्यांचा अभिनंदन करते आणि त्यांच्या कार्याला शुभेच्छा देते. आज 1 साल होने जा रहा है कोरोना कालावधि में, इतना सब आपन सब लोग हम सफ़र कर रहे हैं, इतना बुरे वक्त से निकल रहे हैं. आबा जी ने यहाँ के लोगों के लिए इतना काम अच्छा किया है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, महिलाओं के लिए सब लोगों को इनका इतना सपोर्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.